था पहले से कि ये प्राइम मिनिस्टर डब्बू प्राइम मिनिस्टर है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, परंतु रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये तो पहले दिन से सबको पता है। जब इसको बनाया गया सबसे पता है, ये तो अपने बल से तो नहीं बना प्राइम मिनिस्टर, ये सोनिया गांधी के बल पर बना। सोनिया गांधी खुद नहीं बन सकी, आपको तो उसने झूठ बोल दिया कि मुझे मैंने त्याग कर दिया। वास्तविकता यह नहीं है। 12:30 बजे 17 मई को राष्ट्रपति ने मुझे फोन किया, कहा कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा खाना खा रहे हैं। तो कहे तुरंत आ जाओ, 15 मिनट में आओ। मैं भाग के गया क्योंकि मैंने उनको एक चिट्ठी लिखा था 3 दिन पहले कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री हमारे संविधान के अनुसार बन नहीं सकती, यदि आप उनको बना दोगे, यदि बना दोगे तो फिर मैं कोर्ट में जाऊंगा। वो चिट्ठी मैंने मद्रास से लिखी, वो पहुंचते पहुंचते 3 दिन लग गया। और टेलीविजन में आ रहा था कि 5 बजे 17 तारीख को 5 बजे सोनिया गांधी को राष्ट्रपति ने बुलाया है सुपुत्र करने के लिए सरकार। तो मैं जब गया तो सारे बैठे हुए थे उनके ऑफिसर्स, उनसे अब्दुल कलाम ने कहा कि वो तमिल हैं, मेरे बगल के डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, मैं बहुत सालों से जानता हूं। उन्होंने मुझे तमिल में कहा कि इन सबको थोड़ा समझाओ। तो मैंने कहा कि जो सिटीजनशिप एक्ट है, जो सिटीजन बनते हैं हमारे देश में, उनमें आप में एक फर्क है। मैं और आप कभी हमारी नागरिकता को कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हम इस देश में पैदा हुए और हमारे मां बाप इस देश के नागरिक थे और हैं। लेकिन जो सिटीजनशिप एक्ट में बनते हैं उनका नागरिकता कभी भी समाप्त की जा सकती है। लेकिन मैं उस पॉइंट पे नहीं था। मैंने कहा एक प्रोविजो है सिटीजनशिप एक्ट में कि विदेशी कोई हिंदुस्तान में नागरिक बनेगा तो उन पर वही अंकुश लगेगी, वही रिस्ट्रिक्शंस होंगे जो हिंदुस्तानी उनके देश में बनने से लगेगा। तो इटली में आप वहां पैदा नहीं हुए तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। इसीलिए ये भी इस देश में प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकती। फिर राष्ट्रपति ने पूछा ऑफिसर से, कुछ आपको पूछना है? किसी ने नहीं कहा, कहा कि आप जा सकते हो। मैंने कहा आप क्या करने वाले? आप दोनों उसको बुला लिया 5 बजे? उन्होंने कहा क्या, अभी तो 1 बज रहा है, 5 बजे 4 घंटे बाकी हैं, उसके बीच में कोई एक और चिट्ठी जाएगी। 3:30 बजे उन्होंने चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और नकुल सिंह, ये 3 ही लोगों ने देखा था। और उस चिट्ठी में ये लिखा था कि मैंने आपको 5 बजे बुलाया था, लेकिन अभी मुझे कंप्लेंट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से आई है कि आप बन नहीं सकते, और मुझे पता नहीं इसमें तथ्य कितना है, इसलिए मैं इसको सुप्रीम कोर्ट को सुपुर्द करूंगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं आएगी तब तक मैं आपको शपथ दिला नहीं सकता, इसीलिए 5 बजे मत आइए। और यदि आपको सरकार बनाने की बात चर्चा करनी है तो कल दूसरे दिन 10 बजे आइए। अब पहले तो जब मैं राष्ट्रपति के भवन में था तो एक मेज में चिट्ठियां पड़ी थी, एक एक एमपी का चिट्ठी था दस्तखत से, मैं फलाना सोवन सो इस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर संसद सदस्य के नाते सोनिया गांधी का नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित करता हूं। 340 चिट्ठियां ऐसे थी, उसमें एक चिट्ठी ये थी, मैं सोनिया गांधी रायबरेली से निर्वाचित सोनिया गांधी का नाम प्रस्तावित करती हूं। झूठ बोलती है। लेकिन मेरे सामने एक संकट था कि ये प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और कौन तय करेगा? सोनिया गांधी तय करेगी, और उस बुद्धू को
प्रधानमंत्री बना देगी, राहुल गांधी को तो क्या करेंगे हम, हमारे देश कैसे सुधरेगा उससे, किसी कौन तय करेगा, सोनिया गांधी तय करेगी, और उस बुद्धू को प्रधानमंत्री बना देगी, राहुल गांधी को तो क्या करेंगे हम, हमारे देश कैसे सुधरेगा उससे, किसी और से सबसे कम ये व्यक्तिगत ईमानदार है, डब्बू है परंतु व्यक्तिगत ईमानदार है, परंतु कांग्रेस में तो सब डब्बू है और बेईमान भी होंगे, सबसे कम ये व्यक्तिगत ईमानदार है, डब्बू है परंतु व्यक्तिगत ईमानदार है, परंतु कांग्रेस में तो सब डब्बू है और बेईमान भी होंगे, तो या इस सरकार को हटाने के लिए कुछ उपाय ढूंढनी चाहिए या फिलहाल इनको रहने देना चाहिए। लोगों का बड़ा ये हो गया, पलटी मार दिया, ये कर दिया, तो मैंने किया। महाभारत में भीष्माचार्य ने द्रौपदी का वस्त्र हम देखते रह गए, कोई उनको बुरा नहीं कहते, लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा था कि युद्ध में ये दुर्योधन के साथ जाएंगे, तटस्थ नहीं रहेंगे, तो फिर इनका वध करना जरूरी होगा।